नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। Thank you.
चाहिए तेरे कहने। फिर क्या चाहिए तुझे? लाखन सिंह को जो चाहिए मांगता नहीं, ले लेता। मन में कि बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। सारे अरमान खाक में मिल गए मुन्ने के बापू। बड़ा ही मनहूस बेटा पैदा हुआ है मंसूर के यहाँ। अरे पैदा होने के 10 दिन बाद ही धक्का पड़ा। अरे भाई तुम अपने घर जाओ, हमारा जो होना था सो तो हो गया। जाओ भैया जाओ जाओ जाओ, सुबह पुलिस थाने चलना, रपट लिखाने को ध्यान रखना। ये रहा लूट का माल सरदार, बंटवारा कर दो। ये गहने तुम आपस में बांट लो और मेरे पास रहेगा ये गहना। ये भी लूट का माल है सरदार, और लूट का माल हमेशा सब में बराबर बढ़ता रहा। क्या पक्का है? जग्गो, ये औरत है और औरत सिर्फ एक की होकर रह सकती है। लेकिन यहाँ सबकी औरत बनकर रहेगी, दिन बांट लेंगे। सरदार ये बात ठीक नहीं, एक औरत के लिए गिरोह में फूट पड़ जाएगी, आपस में दुश्मनी हो जाएगी। किसकी मजाल है जो लाखन से दुश्मनी मोल ले? ये मेरी है, मैं इसे लाया। मैं नहीं, हम कहो लाखन। लाखन लाखन
खबरदार जो किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा। ये माल मेरा है। छोड़ दे मुझे चाकू। मैं कब कहता हूँ मैं साधु हूँ, मैं तुझे अपनी बना सकता हूँ। साई मुझे कहती है, ले इसे भी काट ले, काट लेना। फूंकती हूँ तुझ पर, नफरत है मुझे तुझसे। नफरत को मोहब्बत में बदलना आता है मुझे। मर जाऊंगी मगर अपनी इज्जत नहीं लूटने दूंगी। नहीं, मैं तेरी इज्जत नहीं लूटना चाहता, मैं तुझे अपनी बनाना चाहता। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, मैं तुझे भून के रख दूंगी। मैं तो तेरे प्यार की आग में पहले ही भून चुका हूँ। बंदूक फेंक दे, मोच आ जाएगी तेरी नाजुक कलाई में। लाखन, मैं बंदूक चला दूंगी। बंदूक चलाने के लिए मजबूत दिल चाहिए। औरत का दिल जितना नाजुक होता है उससे बढ़कर मजबूत भी। वो जीवन देना भी जानती है और जीवन लेना भी। लाखन रुक जा। एक ही गोली थी इसमें। ठहरो, ले चला गोली। सरदार, ये क्या हुआ? गोली चला दी। इसने तुम्हारी जान लेनी चाहिए है सरदार। कुछ भी है कुंदन, लड़की है बहुत दिलेर, मैं तो इसकी दिलेरी पर फिदा हो गया। जिंदगी में बड़ी लड़कियां देखी, उनसे तेरे जैसी हिम्मत वाली कोई नहीं। डरो नहीं, अब मेरे मन में तेरे लिए कोई खोट नहीं, इज्जत करता हूं मैं तेरी। अगर तेरे दिल में जरा भी इंसानियत है तो मुझे जाने दे। ठीक है, जाओ जाने दे। बंदन, मुझे पट्टी बांधो जल्दी से, मैं ऐसे घर छोड़कर आऊंगा। चमेली जी, सो जाओ ना। मुझे तो नींद नहीं आ रही मारे डर की। अरे बावरी, अब डर काहे का, आराम से पैर फैला के सो। दबा ढका माल तो सारा छोड़ गए हैं और जी के जंजाल चंपा को ले गया लाखन सिंह। कमबख्त कहते थे कि मनहूस बच्चा पैदा हुआ मनसुख के घर। उनके मुंह में खा। कहते थे कि पैदा होते ही 10 दिन में डाका पड़ गया। चले, ये बेचारा फोन डाकुओं को बुलाने गया था। उसका भाग गया था। देख, पैदा होते ही चंपा की शादी का बोझ उतार दिया हमारे सर ने और चंपा के जायदाद का मालिक बना दिया। बड़ा ही अच्छा हुआ कि चंपा को लाखन सिंह उठा के ले गया। लाखन, तू मुझे अपनी बनाना चाहता था ना? इन्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। ले चल मुझे यहां से। तेरे गुस्से का हिसाब चुका। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इन पापियों का मुंह भी नहीं देखना चाहती।
सुनते हो जी? हाँ जी। ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई बोल रहा है। अरे कोई पड़ोसी होगा। और अगर डाकू हुए तो? डाकू कोई दोबारा डाका डालने को आएगा, ये लूटा हुआ माल हमें वापस देने के लिए आएगा। ले गए जो कुछ ले जाना था। दुनिया के मालिक, आज तेरी अदालत में तुझे साक्षी मानकर मैं चंपाकली को अपनी जोरू बनाता हूं। भगवान मुझे हिम्मत दे, मैं जिंदगी भर इसका साथ निभा सकूं, अपनी चंपा को सुखी रख सकूं। चंपा, तू कहेगी कुछ? सोच रहे हो? चंपा, मैं सोच रहा हूं अपनी सुहागरात कितनी अनोखी है। अंबर की छत, तारों की छाया, चंदा का दिया और चांदनी की चादर बिछी है। आज की रात मेरे जीवन का प्रभात है। पता नहीं ऐसी कितनी चांदनी रातों को मैंने अपने पापों से काला किया है। चंपा, मैं तेरा एहसानमंद हूं। सचमुच तू मुझे अंधेरे से उजाले में ले आई है। मेरी जिंदगी को नया मोड़ दिया है तूने। मुझे हैवान से इंसान बना दिया। और तूने? तूने नहीं, तुमने। तुमने? अब तो जो तू कहने से पाप लगेगा। चंपा, दिन निकलने को आ गया, सरदार अभी तक नहीं आया। लगता है सरदार आ गया। खाली घोड़ा? लगता है लाखन पकड़ा गया या मारा गया। अब इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं उस्ताद, इस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। देखो ये घर है, 10 रुपया किराया लूंगी। पसंद है तो हाँ बोलो और नहीं तो आपस जाओ। ना पसंद है जी, पसंद है बिल्कुल। हाँ, और एक बात और सुन लो, मुझसे ठीक ठाक रहोगे तो गंगा मौसी और नहीं तो। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम के छोटे भाई का जो नाम है लक्ष्मण, बड़ा सुंदर नाम है। और तुम्हारा नाम? चंपाकली। बेशरम कहीं का घरवाली का नाम लेते हैं। अच्छा देखो मैं जाती हूँ, कोई काम पर तो मुझे बुला लेना। अच्छा बस, जोड़ी बहुत सुंदर है। और हाँ, टूट फूट के जिम्मेदार तुम दोनों हो। टूट फूट? हाँ हाँ, देखता क्या है, जोड़ी बहुत सुंदर है। टूट फूट क्या बोल गई? कुत्ते नदी के किनारे जाकर रुक गए थे। इस तावीज पर लाखन सिंह का नाम लिखा है, इसलिए ये राइफल भी उसी की होनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। बहुत मुमकिन है कि चंपा के लिए उनका आपस में झगड़ा हो गया हो और उन्होंने लाखन सिंह को मारकर नदी में फेंक दिया हो। और ये भी हो सकता है कि लाखन ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सब चाल चली और अपने साथियों को लेकर बहुत दूर निकल गया। हमें उनकी तलाश जारी रखनी चाहिए। क्या होगा? दरवाजा खोलो। मैं घर में अकेली हूँ। तुम्हारा मर्द कहाँ है? वो बाहर गया है। क्या नाम है तुम्हारे मर्द का? लक्ष्मण सिंह। झूठ मत बोलो, दरवाजा खोलो। वो जब तक नहीं आएंगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। देखो दरवाजा खोल दो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। हवलदार, दरवाजा तोड़ दो। नहीं, नहीं, ठहरो। मैं
खोजती हूँ। होने लगी। देखो मैं दिन भर मैं बजाता रहूं, अब थोड़ी देर तुम बजाओ। चलो हटो, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता, मेरा तो दिल ही बैठ गया था। माफ कर दो ना, दिन भर घूमता रहा, थक गया तो इस छोटी सी शरारत सूझ गई। अच्छा मस्ती मजाक की बात छोड़ो, कुछ काम धंधा मिला या नहीं? नौकरी तो अपने से होगी नहीं और ना कोई अपने को नौकरी देगा, इसलिए सोचा घर की गाड़ी चलाने के लिए ठेला ले लेता हूँ, मालिक का मालिक मजूर का मजूर। ठीक है, चलाने वाला भी खुद, चलने वाला भी खुद, कब शुरू कर रहे हैं? चंपा आज ही शुरू कर दूं, लेकिन इसके लिए थोड़ा माल चाहिए। अगर तुम चिंता मत करो, माल का इंतजाम भी मैं कर लूंगा। तुम चिंता मत करो। ये क्या, तू समझती है मैं तेरे जेवर बेचकर ठेला खरीदूंगा? नहीं, मैं तेरे जेवर नहीं बेचूंगा। याद है उस दिन तुमने कहा था, चंपा मेरी नजर तेरे जेवरों पर नहीं तुझ पर है। आज मैं कह रही हूं कि मेरी नजर जेवरों पर नहीं तुम पर है। चंपा ये जेवर तुझ पे बहुत सजते हैं, मैं ये जेवर नहीं लेके जाऊंगा। तुम्हारे प्यार से मेरा मन तन दोनों सजे हैं। गाड़ी चल पड़ेगी तब जितना जी चाहेगा बनवा लूंगी, ले लो। नहीं चंपा, तुम्हें मेरी कसम है, ले लो ना, ले लो। जब तक रहे
अच्छा तुझे इमली चाहिए थी, ये ले ले और ले। चंपा तू कच्ची इमली खा रही है? पर इतनी सारी इमली खाएगी तेरे दांत खट्टे हो जाएंगे, तू रोटी वोटी नहीं खा सकेगी। रोटी तुम खाओ, इमली मैं खाऊंगी। इमली तू खाएगी? अरे मेरी चंपा कली, ये बात है हो गया परेशान नजर आ रहे हो क्या? नहीं काका, ठीक काका, हमें इतना टाइम लगता है? हाँ देर लगती है। क्यों हो गया? सबर कर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ, चंपा तो बहुत टाइम ले रही है। हो गया। अब तू कहाँ ऊंट की तरह गड्ढा उठाए अंदर जा रहा है? तो मैं अंदर नहीं जा सकता। नहीं नहीं, क्या हुआ? लड़का हुआ लड़की? अरे लड़का हुआ लड़का। अच्छा मुझे मिली मौसी, तुमने अच्छी तरह देखा था ना, लड़का है। हाँ हाँ अच्छी तरह देखा है, लड़का है लड़का है। अब जल्दी से जाकर लड्डू लेकर आओ। अरे लड्डू क्या मौसी, मैं हलवाई को ले आता हूँ। अरे हलवाई उधर है, इधर नहीं। पता नहीं क्या हो गया, मैं पागल हो रहा हूँ। हम कितने भगवान हैं। बड़ी बूढ़िया कहा करती थी, जिस भागवंती के पहला बेटा होता है वो दो मुट्ठी ऊंची हो जाती है। तेरा पता नहीं तू कितनी ऊंची हुई है, लेकिन जब से जसवंत हुआ है मुझ में तो जैसे हाथी का बल आ गया है। अब चाहे जितना बोझ खींचूं थकन का नाम नहीं। मेरा भी मन घर में लगा रहता है। पहले तुम घर से जाते थे तो आंखें दरवाजे पे लगी रहती थी। अच्छा अभी आंखें कहां लगी रहती? अब हर पल हर घड़ी तुम्हारे इस रूप को निहारती रहती हूँ। जब ये हंसता है तो ऐसे लगता है तुम हंस रहे हो, और जब ये रोता है तब भी ऐसे लगता है जैसे मैं रो रहा हूँ। कुछ भी कहो चंपा, शक्ल तो बिल्कुल मुझ पे गई है। भगवान करे अकल तुम्हारे जैसी ना हो। क्यों? डरती है कि ये बड़ा होके मेरी तरह किसी गाँव की गोरी को भगा के ना ले जाए। तुम्हारी तो हर बात से मैं कैसा है? अरे तू कैसा बोले? क्यों भाई आज इस मंडी में कैसे आ गए? अरे यार माल जिस मंडी का मिले उधर जाना पड़ा। अच्छा अच्छा आ गया सनाला। किसका है ये टेला? मैं पूछता हूँ किसका है तेला? उस्ताद भुला का है। निकाल चवानी। लेकिन उस्ताद मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आया, निकाल आठानी। मर गए। तू भी निकाल बे। ओ लगता है तू भी पहली बार आया, निकाल आठानी। किस बात की भाई? अरे ये किसी ने बताया नहीं, इस पेड़ के नीचे बैठने वालों से मैं टैक्स लेता हूँ। ये जमीन तेरी है? जमीन किसी की भी हो टैक्स मैं लेता हूँ। तुम्हारा भी जमीन सरकार की, पेड़ सरकार का, छाया पेड़ की, तुम्हें किस बात का टैक्स? बकवास बंद कर, यहाँ मेरा कायदा चलता है। ये कैसा कायदा है भाई? ये तो साफ गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी नहीं बिरजू उस्ताद का कायदा है। साला मुंह लड़ाता है। मेरे खून पसीने की कमाई है, ला वापस कर दे मुझे। पैसे दे दूं?
बोला ये पैसे सब में बांट दो। अपने जसवंत से बात करते हैं। उससे भी बात मत करो। करवा लूंगा तुम, तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ तुम चुप करो। अरे देखो मेरी अपनी इज्जत का सवाल है बेटा, चुप कर जा। बताओ बेटे ये कौन है? मेरा बाबू है। ये पहलवान कौन है? मैं हूँ। और ये चांद का टुकड़ा कौन है? चांद का टुकड़ा नहीं है मेरे वहाँ। चुप, ये मेरा चांद का टुकड़ा है, वो आगे। चंपा, चंपा क्या बात है? कभी कभी हद दर्द होता है। पहले भी ऐसे होता था? न जाने क्यों एक कांटा सा चुभने लगता है। तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? कल सुबह तो मैं किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ। कुछ नहीं बेटा। चंपा, चंपा दवाई पी। कुछ भी तो फर्क नहीं लगता मुझे इस दवाई से। कितने दिन हो गए पीते पीते। दो चार दिन और पी के देख ले, फिर भी आराम ना आया तो मैं तुझे किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
यह रहा आपकी बीवी का एक्सरे और खून की रिपोर्ट। मैंने इसे चेक कर लिया है, आपकी बीवी को कैंसर है। जी हाँ, आप जितनी जल्दी हो सके ना बंबई ले जाइए। जी, बंबई? साहब, इतने बड़े शहर में मैं कहाँ जाऊंगा? इस रिपोर्ट के साथ मैंने अपने दोस्त डॉक्टर गंडोत्रा के नाम एक चिट्ठी लिख दी है, आप उनके पास चले जाइए। खर्चा कितना होगा साहब? यही कुछ 4-5 हजार। 4-5 हजार? उठ गई, लेट जा, लेट जा। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर कहता है फिक्र की कोई बात नहीं, मामूली बीमारी है, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, मेरी तरफ देख कर बताओ, क्या बताया? चंपा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात हुई भी तो मैं तुझे बंबई लेके जाऊंगा। बंबई ले जाओगे? और कहते हो मामूली बीमारी है। पर चंपा, इलाज करने से हर बीमारी ठीक हो जाती है, तो क्यों फिक्र करती है? मैं तुझे ठीक कर लूंगा। कहां है जसवंत? कहां है? बाहर खेल रहा होगा। राम राम सेठ जी। राम राम। कहो भाई लक्ष्मण, क्या बात है? आज लगान तो कुछ है नहीं। नहीं सेठ जी, आज मैं अपने काम से आया हूँ, मेरी औरत बहुत बीमार है सेठ जी, उसे बचा लीजिए। अरे भाई, बीमार है तो किसी डॉक्टर वैद को दिखा दे, मुझसे क्या कहता है? डॉक्टर कहता है उसे इलाज के लिए बंबई ले जाओ, नहीं तो वो मर जाएगी। तो ले जा बंबई। लेकिन बंबई जाने का खर्चा 4-5 हजार होता है सेठ जी। तेरा मतलब है रुपया मैं दे दूं? किस चीज के बदले? मेरी जान के बदले में। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा, आपके हाथों बिक जाऊंगा। जा जा, मुझे अपना काम करने दे, जान के बदले में रुपया नहीं मिला करता। क्या बात? मत रो बेटा, मत रो। चंपा, तुमने कितनी बार कहा है तू काम ना किया कर, काम ना किया कर, आराम से लेट भी नहीं सकती। चल लेट जा, लेट जा। में रखो, ये दर्द मुझसे अब नहीं सहा जाता। मत बोल चंपा, ऐसा मत बोल, मेरा बस चले, तेरा दर्द मैं ले लूं। कहां से लाओगे इतना रुपया? मैं नहीं बच सकती। ये तू कैसी बातें कर रही है आज? चंपा, मैं तुझे भगवान से भी छीन कर ले आऊंगा। तुम रो रहे हो मर्द होकर। नहीं चंपा, मैं कहां रो रहा हूं? लाला जी, मेरी घरवाली को कैंसर की बीमारी हो गई है और उसके इलाज के लिए मुझे 5 हजार की सख्त जरूरत है। 5 हजार? अबे 5 हजार के बराबर तो वजन भी नहीं होगा उसका। मैं कहता हूँ मर जाने दे, दूसरी कर लेना। मेरा मजाक ना उड़ाओ लाला, मेरा मजाक ना उड़ाओ। अरे मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो तेरे को सलाह दे रहा हूँ। कहावत है कि जूती फटी फेंक दो और जो रू मरी बदल दो। लाला मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुखी तो मत कर। चंदा कर, चंदा बिरादरी वालों से मांग,
ठेले वालों से मांग, मंडी की दुकानदारों से मांग, मैं भी धर्म खाते में उसको डाल दूंगा। गले पे हाथ डालता है, आया है भीख मांगने और दिखाता है आंखें, चल भाग यहां से। जाता हूं, मेरा बाप मेरे साथ नहीं है। मंडी में नहीं घुसने दूंगा सारे को। तेरा मतलब है रुपया मैं दे दूं? किस चीज के बदले? मेरी जान के बदले में। जान के बदले में रुपया नहीं मिला करता। ले भाग। 5,000? अबे 5,000 रुपए के बराबर उसका वजन भी नहीं। तू कहता हूँ मर जाने दे, अब दूसरी कर लेना। भाई, सेठ जी हैं घर पे? हाँ हैं, क्या काम है? हमारे सेठ जी ने चिट्ठी दी है उनके लिए। नहीं, हम यहाँ ही खेलेंगे। बच्चे का फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। चिट्ठी देखना। सेठ जी, किसी आदमी ने चिट्ठी दी है। हाँ सेठ जी, सूरज डूबने से पहले भैरवनाथ के मंदिर के पास 5,000 रुपया लेकर आप अकेले पहुंच जाइए। खबरदार, चालाकी करने की कोशिश की या पुलिस को खबर दी तो तुम्हारा बच्चा मैं ले जा रहा हूँ। ठाकुर लखन सिंह अजय कहाँ है? तो बाहर है। तूने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? भाभी, अजय को ठाकुर लखन सिंह उठाकर ले गया। की जो रूप वाले आराम से बात सुन, अपना ना अजय अजय अरे उसको ठाकुर लाखन उठाकर ले गया। अरे अपना कहा अपना? अपना अरे अपना ललन कहा? ललन ललन ये रहा, आ जा बेटा। अरे इसको अंदर रख दे, अंदर अंदर। अरे बेचारे का दम घुट जाएगा। ललन बेटा, ललन ललन बेटा। अजी मैंने कहा संभाल के रखो, मेरा अजय कहा है? ला दो मेरा अजय। की मां जरा धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। ला दो मेरा बच्चा मुझे। हां हां वो आ जाएगा, धीरज तो रखो। भाई साहब, मेरा कहना मानो तो पुलिस को टेलीफोन कर दो, वो फौरन पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं, इससे अजय की जान को खतरा है। रुपए लेकर मैं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। सेठ जी आ गए। पिताजी, अब मेरी चंपा बच जाएगी। बेटे चल, तुझे तेरे बापू को दे आऊं।
नहीं नहीं मेरा बेटा अजय, ये क्या हो गया भगवान? कहाँ से लाऊं तेरा बेटा से? कहाँ से लाऊं तेरे बच्चे को? Oh,
लक्ष्मण तू इस वक्त कैसे आया? मेरी चंपा मर गई लाला। मर गई? अरे राम 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 राम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लक्ष्मण अगर कुछ कफन दफन के लिए चाहिए तो। कफन मैं तुझ पे डालूंगा लाला। क्या बात है लक्ष्मण? मर गया लक्ष्मण। उस दिन मेरी चंपा की जान बचाने के लिए तूने 5000 नहीं दिए। अब पूछ नोटों से क्या ये तेरी जान बचा सकते हैं? अब इन नोटों से मैं तेरी लाश को तोलूंगा और देखूंगा किसका वजन ज्यादा है। लक्ष्मण नहीं, लाखन सिंह, डाकू लाखन सिंह। नहीं नहीं भैया, नहीं, इनकी जान मत लो। मैं अपने साहब की भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। लाखन सिंह डाकू। इस बस्ती की औरतें और बच्चे सब घरों के अंदर जाएं और मर्द बूढ़ा हो या जवान घरों से बाहर निकलकर मेरे सामने आए। सुना आप लोगों ने? औरतें और बच्चे घरों के अंदर और मर्द बाहर मेरे सामने आए। मिस्टर कपूर, यस सर, आप अपने आदमी लेकर उस मकान के पीछे जाइए। यस सर। मिस्टर खन्ना, यस सर, आप उस मकान के पीछे जाइए और आप इन घरों के पीछे जाकर बात कीजिए। यस सर। थानेदार साहब, एक मेरी विनती है, ये शरीफ और गरीबों की बस्ती है, यहाँ पर कोई चोर बदमाश डाकू नहीं रहता साहब। माँ जी, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ साहब, विश्वास। मैंने सुन लिया, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ आपने नहीं सुना। औरतें और बच्चे घरों के अंदर, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। ये तो बड़ा अंधेरा है। दरवाजा बंद कीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? रामदास। आपका नाम? राम। कहाँ रहते हो? ये पीछे। क्या काम करते हो? लोहार हूँ जी। लक्ष्मण आ गया बेटा, बेचारा रो रो कर सो गया। अरे हाँ, तू आया कैसे? दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद कर दिया था। बाहर पुलिस खड़ी है मौसी। हाँ बेटा, दरोगा कह रहा था इस बस्ती में कोई डाकू रहता है। भला आदमी बन के जिंदगी गुजारने आया था मौसी, लेकिन वो बेचारा आज अपना सब कुछ लुटा कर जा रहा है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? ठीक कह रहा हूँ मौसी, अब तो यही आखिरी पूंजी है, इसी के सहारे जिंदगी काट लूंगा। लक्ष्मण। लक्ष्मण नहीं मौसी, लाखन सिंह, डाकू लाखन सिंह। मौसी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मौसी। लक्ष्मण, लेकिन तू जाएगा कैसे?
बाहर तो पुलिस खड़ी है। मेरी चिंता मत कर मौसी, मैं चला जाऊंगा। चेहरे एक तस्वीर के ये खेल है तकदीर के, दो चेहरे एक तस्वीर के, भगवान भी शैतान भी, क्या चीज है इंसान भी। ये खेल है तकदीर के, दो चेहरे एक तस्वीर के, भगवान भी शैतान भी, क्या चीज है इंसान भी। भगवान भी शैतान भी, क्या चीज है इंसान भी। जिस रस्ते को छोड़ा और छोड़े बुरे कर्म, फिर से आज उन राहों में डोले वही कदम। कल जिस रस्ते को छोड़ा और छोड़े बुरे कर्म, फिर से आज उन राहों में डोले वही कदम। ओ देखो दे तकदीर के, दो चेहरे एक तस्वीर के, भगवान भी शैतान भी, क्या चीज है इंसान भी। भगवान भी शैतान भी, क्या चीज है इंसान भी।
भार के बराबर तो वजन भी नहीं होगा उसका। जयराम जी की। जयराम जी की। ये सेठ जी जो अभी अभी गाड़ी में गए हैं, कौन थे वो?
सेठ मनोहर लाल जी, 8 साल पहले ठीक आज ही के दिन डाकू लाखन सिंह 5,000 रुपए के लिए इनके बेटे को उठाकर ले गया था। इसी गम में इनकी पत्नी भी चल बसी। सब कुछ लुट गया इन बेचारों का। ये एक लुटे हुए मुसाफिर की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मंदिर भी इन्होंने फिर से बसाया है। सुबह शाम इसी उम्मीद पे यहाँ आते हैं कि शायद इन्हें इनका बेटा मिल जाए। कौन हो तू? मैं लाखन सिंह। लाखन सिंह खान, डाकू लाखन सिंह। हाँ सर। अब क्या लेने आया है? मेरा सब कुछ तू पहले ही लूट चुका। मेरे मासूम बच्चे को ले गए, औलाद के सदमे ने मेरी पत्नी की जान ले ली। और क्या लेने आया है यहाँ? आज मैं कुछ लेने नहीं आया सर जी, आज मैं कुछ देने आया हूं। आपका बेटा आपको लौटाने आया हूं। मेरा बेटा? क्या ये मेरा बेटा है? हाँ सेठ जी, ये आप ही का बेटा है। बाबू। मेरा अजय? हाँ, ये आपका अजय है। उस दिन आपके आने से पहले पुलिस मंदिर तक पहुंच चुकी थी और मैं आपके अजय को लेकर भाग गया। लेकिन 8 साल तक अपने पास क्यों रखा? इस बच्चे के मुंह ने मुझ पत्थर दिल इंसान के मन में ममता जगा दी। इसके प्यार में मैं ये भी भूल गया कि इसके अपने मां बाप की क्या हालत होगी। लेकिन आज जब आपको मंदिर के पास देखा तो मुझसे रहा नहीं गया सेठ जी, और मैंने तय कर लिया कि पाप के उस बोझ को जो मैं 8 साल से उठाए फिर रहा हूं आज उतार फेंकूंगा। इसीलिए आज आपकी अमानत, आपका बेटा आपको लौटाने आया हूं सेठ जी, इसे संभाल लीजिए। क्या क्या सचमुच ये मेरा आज है? हाँ सेठ जी, अजय आपका बेटा है। नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं अपने बापू का बेटा हूं। नहीं बेटे, तू मेरा बेटा नहीं, तू सेठ जी का बेटा है। नहीं बापू, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मेरा नाम जसवंत है। तुम्हारा नाम जसवंत नहीं है, मेरा नाम अजय। नहीं बापू, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी नहीं है। फिर मेरे बच्चे पर हाथ उठाए तो माफ करना सेठ जी, 8 साल तक अपना बेटा समझकर पाला है, आज इसकी जिद देखकर हाथ उठ गया। माफ करना सेठ जी, बेटे मैं बहुत बुरा आदमी हूं। 5,000 रुपए के लिए तुम्हें तुम्हारे बापू से दूर ले गया था। आज से तेरा यही घर है, ये तेरे पिताजी हैं, मैं तेरा कुछ नहीं। जी, मैं आपका अपराधी हूं, मैंने बहुत पाप किए और आज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ सेठ जी, आपके छोटे भाई मक्खनलाल ने फोन कर दिया। हवलदार पनाह करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुद्दत के बाद यह खतरनाक डाकू मेरे हाथ आ गया। आपने क्यों तकलीफ की इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद आपके पास आ रहा था। लाखन सिंह, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने 8 साल तक मेरे बच्चे की अपने बच्चे की तरह परवरिश की। मुझे इस बात का सख्त अफसोस है, मेरी खुशियां लौटाते हुए तुम गिरफ्तार हो गए। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं सेठ जी, मैं तो आज खुश हूं, मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। बेटे होता क्यों है, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। भूल जाना कभी किसी डाकू का साया तुम पर पड़ा था। डाकू नाम से भी नफरत करना।
तो ऐसा हो बेकरार, मानव क्या है देखे तो दाता तो आए क्या, दूजे का ये दुख समझे तो ऐसा हो बेकरार, मानव क्या है देखे तो दाता तो आए क्या, दौलत क्या चेहरे एक तस्वीर के, भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी, भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी। आओ सरदार आओ, तुम्हारी और मेरी कुंडली भी खूब मिलती है, बाहर भी सास और अंदर भी सास है। फिकर मत करो सरदार, उमर कैद के दिन तो पलक झपकते ही कट जाएंगे। अरे हाँ, अपना जसवंत कहाँ है? मेरा मतलब है उसे किसके सहारे छोड़ाए हो? उसे उसे भगवान के सहारे छोड़ाए हो जग्गू। भगवान के सहारे तो ठीक है, लेकिन कहाँ? कुछ पता नहीं, मेरा मुकद्दर मुझे यहां ले आया, उस बेचारे का मुकद्दर उसे कहां से कहां ले जाएगा कुछ पता नहीं। घबराओ नहीं सरदार, आओ आओ बैठ। मुझे भी धोखा हुआ था सरदार, जग्गू की आंखें धोखा नहीं खा सकती। ए, काम करो। ये रो रहा है, अरे जब फेल हुआ तब रोना नहीं आया था? उतार उतार कभी उतार, मैं कह रहा हूँ। बाप रे बाप, और हिसाब में 100 में सिर्फ 0, मक्खन लाल का बेटा और हिसाब में 0। उतार उतार ये देखो, उतार उतार। अरे तुम धोती उतारो। मैं धोती उतारू? अबे उल्लू के पट्टे, बाप से कह रहा है धोती उतार, धोती उतार, उतार। मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? अरे फेल होते वक्त शर्म नहीं आई थी? उतार उतार कह रहा हूँ, उतार। अजी, अजी क्या कर रहा है, मेरे बच्चों को मार मार के आधा कर दिया। अरे तेरा बच्चा अब की बात फिर फेल हो गया है। तो उसमें क्या हुआ, आते वर्ष पास हो जाएगा। अरे पिछले वर्ष भी तूने कहा था कि आते वर्ष पास हो जाएगा। देखो मैं पास हो गया। पास ना बेटे, देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले। अरे वाह, इंग्लिश में क्या 42 है कितने बेटे? हीरे की अंगूठी दूंगा। अरे बेटा अभी नहीं, वरना तुझे डाकू डाकर उठा कर ले जाएगा। जब तू बड़ा होगा ना तब मैं तुझे दूंगा। और ये उल्लू, अरे अरे कहाँ गया ये? वो तो चाचा जी कब का मिला है? अरे तुम्हीं से मिला हुआ है। अजी क्यों मेरे बेटे को मार रहे हो? मुझे अफीम खिला रहा है, तुझे विधवा बना रहा है, मैं इसका खून कर दूंगा। कलावती, नहीं कलावती, गलती हो गई, कलावती कलावती।
आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो क्या? आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो क्या? मेरी तो खुली थी, तुम्हारी बंद थी। मेरी तो खुली थी, तुम्हारी बंद थी। ए ए, तुम पागल तो नहीं हो? तुम पागल तो नहीं हो? बेवकूफ। बेवकूफ। अरे अरे, याद रखना राह ये दिल भर टूटा है इस पे तुमने बाहर में कल तक यहीं पर आंख बिछाए बैठा रहूंगा बेकल दिल रहा है मचल बाकी बातें होंगी कल अभी क्या कहूँ जाने जाना जाओ कल फिर आना यूं ही किसी मोड़ पे मिल जाना समझ में
में हो कम ना उम्र में हो कम, अब तुमसे सनम मैं भी क्या कहूँ। जाने जाना जाओ कल फिर आना, यूं ही किसी मोड़ पे मिल जाना। जाने जाना जाओ कल फिर आना, जीते रहो जीते रहो। बैठो। पिताजी ने कुछ कागज आपके लिए भेजे हैं। मनोहर लाल जी ने तुम्हें भेजा है? भाई इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। हाँ ये तो बताओ, बंबई से ट्रंक कॉल आया। ट्रंक कॉल आया बेटा, तो बैठो मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। अंकल आप कॉल सुनकर आइए, मैं फिर किसी रोज आ जाऊंगा। भाई 2 मिनट तो बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं चलता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन इसे अपना ही घर समझो, कभी कभी आते रहो। हाँ जी मैं जरूर आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। तुम यहां भी? तुम यहां भी? ए ए आखिर आप हैं कौन? आखिर आप हैं कौन? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये तुम्हारे बाप का घर है? ये तुम्हारे बाप का घर है? अरे भाई मेरे बाप का घर। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं अंकल, ये लड़की सुबह से मेरे पीछे पड़ी है। अच्छा ए मिस्टर। ए मिस। डैडी आप भी हंस रहे हैं? ये आपके डैडी हैं? नहीं तो क्या, आपके डैडी हैं? अंकल टाइम क्यों हुआ? अब बॉम्बे से मेरी कॉल आने वाली थी, मैं चलता हूँ। अरे पर खुरदार जाते कहाँ हो, ट्रंक कॉलें तो आती रहेंगी। बेटी ये वही है जिसका मैं तुमसे जिक्र किया करता था, मेरे दोस्त मनोहर लाल जी का बेटा अजय। नमस्ते जी। <डेड़ी नहीं था। laughs> जयराम जी की जिले साहब। आओ लाखन आओ, कैसे हो? मेहरबानी है हुजूर की, कहिए क्या हुक्म है मेरे लिए? तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखते हुए मैंने सरकार से सिफारिश की थी तुम गांधी जयंती पर रिहा कर दी जाओ। जेलर साहब मैं रिहा होकर जाऊंगा कहां? क्यों, तुम्हारा कोई अपना नहीं है? जो थे वो चल बसे, और जो हैं उनका हुजूर क्या पता पहचाने नहीं पहचाने। अच्छी बात है। अच्छा अच्छा आपने बुलाया पिताजी? हाँ बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। हमने एक लड़की पसंद की है तुम्हारी शादी के लिए। शादी? हाँ, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है और बड़े घराने की भी है। लड़की के पिता हमारे बहुत पीछे पड़े हैं। लड़की वाले तो पीछे पड़ते ही हैं पिताजी। लेकिन एक दिन लड़के वालों को भी तो तय करना पड़ता है। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, यही तो उम्र है शादी की। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों बेटा, ब्रह्मचारी रहने का इरादा है क्या? हाँ पिताजी, अभी कुछ ऐसा ही विचार है। ठीक है तो हम मना कर देते हैं धनपत राय से। धनपत राय? धनपत राय कौन, वो जिनकी पेपर मिल है पिताजी? आपने उनकी लड़की पसंद की है? अब तो पसंद ना पसंद का सवाल ही नहीं उठता। उठता है पिताजी। कैसे उठता है, तुम तो सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहना चाहते हो। पिताजी कब तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए? जब तक रह सको। जब तक रह सको? भाई ये कैसे हो सकता है, शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को 25 वर्ष के बाद शादी जरूर कर लेनी चाहिए। अच्छा, और फिर आप भी तो यही चाहते हैं ना पिताजी? ये बात है। ये क्या कर रहे हो, गाड़ी से रोक दी? हम आते जाते इस जगह को सलाम करते हैं। क्यों, यहाँ कोई शहीद हो गया था क्या? जहाँ बहुत पहले 2 गाड़ियाँ टकराई थी, 2 दिल टकराए थे और हम अपनी अनारकली की मोहब्बत में लुढ़क गए थे। अब आप हंस रही हैं, तब तो आप गरम हो रही थी और हम नरम हो रहे थे। याद नहीं? जाने जाना। जाओ कल फिर आना। जाओ कल फिर आना। चल बैठ। Let's
जयराम जी की सेठ जी। कौन हो तुम, यहां खड़े क्या कर रहे हो? आपने शायद पहचाना नहीं, मैं लाखन सिंह हूं। लाखन, कब आए तुम? आज ही आया हूं सेठ जी। उमर कैद के बाद भी जिंदगी के दिन पूरे नहीं हुए, शायद आपके दर्शन करने थे। भाई तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, आओ आओ अंदर आओ। चलो, अरे हरिया गाड़ी अंदर ले आओ, आओ आओ। आ बैठो बैठो बैठो, नीचे नहीं ऊपर बैठो। अजय तुम्हें देखकर बड़ा खुश होगा। बेटा अजय। हाँ पिताजी। पहचाना, कितना बड़ा हो गया है। आओ बेटा आओ। क्या बात है पिताजी? कौन है ये? तुमने सारा बचपन इनकी गोद में बिताया था, ये लाखन सिंह है। लाखन, डाकू लाखन सिंह। लाखन जब डाकू था तब था, अब तो ये प्रायश्चित की आग में तपकर हमारे ही आया है खरा सोना बनकर। आज से लाखन सिंह हमारे साथ रहेगा। शरीफ और इज्जतदार घरों में ऐसे डाकू का रहना खतरे से खाली नहीं पिताजी। तुम ठीक कह रहे हो अजय बेटे, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, बहुत सी कट गई है, बाकी जो है कहीं ना कहीं बिता लूंगा। कहीं क्यों, यही क्यों नहीं? अजय आज अगर तुम यहां हो सिर्फ लाखन की बदौलत, अगर ये तुम्हें ना लौटाता तुम हमारी आंखों का तारा नहीं, इसके बुढ़ापे का सहारा होते। आज से लाखन हमारे साथ ही रहेगा, यह हमारा फैसला है, समझे? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लाखन, अजय अभी बच्चा है, उसकी बात का बुरा ना मानना। नहीं सेठ जी, मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैंने तो जेल जाते वक्त खुद अजय बाबू से कहा था कि डाकू नाम से नफरत करना। लेकिन अब तुम डाकू कहां हो? अजय का दिल भी एक दिन साफ हो जाएगा। आओ मेरे साथ। वक्त का ख्याल ही नहीं, कहते हैं मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, और मैं यहां आधे घंटे से मर रही। मैं ही बेवकूफ हूं जो वक्त से पहले आ गई। अगर 5 मिनट लेट आती तो जनाब का थोबड़ा फौरन सूझ जाता और कहते, देखो रेखा, जो इंसान वक्त की कदर नहीं कर सकता वो मेरी कदर क्या खाक करेगा। मैं बहुत बिजी आदमी हूं, तुम्हें अगर याद ना रहता हो तो अलार्म घड़ी अपने पर्स में रखा करो, समझी? आने दो, मैं बजाती हूं इनका अलार्म। हाय। तुम? हाय। क्या हुआ? ना लेटे बनता है, ना बैठे बनता है, ना उठने को जी चाहता है। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, अच्छे भले तो हो। तुम नहीं समझोगी रेखा, ये अंदरूनी बीमारी है। बीमारी? कैसी बीमारी? लोगों को रात में सपने आते हैं ना? हाँ। मुझे दिन में आने लगे। अच्छा? एक ही सपना आता है, कभी आता है कभी जाता है फिर आता है। कैसा सपना, बोलो बोलो। मैं बता नहीं सकता। क्यों, बोलो ना। मुझे मजबूर मत करो रेखा, मैं नहीं बता सकता। बोलो ना। मैं नहीं बता सकता। ठीक है, मैं भी बात नहीं करती, जाओ। मैंने
देखा एक सपना। क्या देखा बोलो बोलो ना बोलो ना बोलो ना। तब से धड़के दिल कितना हाय कितना बोलो बोलो ना बोलो ना बोलो ना। देखा पागल सा एक नौजवान तेरी राहों में है। अच्छा हाँ, और तू पागलों की तरह उसकी बाहों में है। ओ नौजवान खेलता ही रहा तेरे बालों से बालों से। और तौबा तौबा तेरे हाथ थे उसके गालों पे। ओ नौजवान खेलता ही रहा तेरे बालों से बालों से। और तौबा तौबा तेरे हाथ थे उसके गालों पे। लटे तेरी पड़ी कहीं या चल तेरा और कहीं है। ओ आगे भी कुछ देखा था जी मगर मुझे याद नहीं है। सुनो 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 सुनो। मैंने भी देखा एक सपना। हाय क्या देखा बोलो ना बोलो ना बोलो ना। तब से धड़के दिल कितना हाय कितना बोलो बोलो ना बोलो ना बोलो ना। देखा प्यारा सा एक नौजवान मेरी राहों में है। अच्छा बंगले में चोर घुसा है। अरे कुछ ले तो नहीं गया? चौकीदार ने पकड़ लिया और डैडी ने पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन हमारे पिताजी ने तो उसे घर में रख लिया। चोर को? हाँ चोर नहीं, डाकू को। डाकू लाखन सिंह जो तुम्हें बचपन में उठा के ले गया था। हाँ हाँ वही। मैं देखूंगी उसे, मैंने डाकू कभी नहीं देखा। अरे क्या देखना डाकू का, तुम उसे देखोगे तो तुम्हें भी डाकू से नफरत हो जाएगी। कोई बात नहीं चलो। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। यही है वो इंसानियत का दुश्मन जिसे तुम देखना चाहती थी, जिन हाथों में रामायण थामे बैठा है,
रात में ना जाने कितने बेकसूर लोगों के खून के धब्बे लगे। ये क्या कह रहे हो अजय? अजय बाबू ठीक कह रहे हैं बेटी, जिस इंसान के चाल चलन की सफेद चादर पर एक बार धब्बा लग गया फिर कभी नहीं छूट सकता। मैं तो डाकुओं के बारे में कुछ अलग ही सोचा करती थी, ये तो अच्छे भले इंसान है। इंसान देखने में तो अच्छा भला ही लगता है, इसीलिए तो शैतान इंसान के रूप में छुपा रहता है। आओ चले, क्यों डाकुओं की कहानी सुननी है, जल्दी आना। तुम जाओ यहाँ से, ये तो अजय बाबू नाराज हो जाएंगे, जाओ। वो क्यों नाराज होंगे? नाराज तो मैं हो जाऊंगी उनसे जो इतने अच्छे इंसान को गलत समझते हैं। अजय बाबू तो बहुत अच्छे हैं, तुम कब से जानते हो उन्हें? थोड़े ही दिन। अच्छा, तुम्हें पसंद है? हमारी मंगनी होने वाली है। कितनी अच्छी जोड़ी है, भगवान तुम्हें सुखी रखे, लंबी उम्र दे। पापा, आपका कोई नहीं है ना इस दुनिया में? नहीं बेटे, मेरे सभी तो हैं, तुम हो, अजय बाबू हैं, सेठ जी हैं, सब मेरे हैं। फिक्र मत करो बाबा, मैं जल्दी इस घर में आने वाली हूँ, फिर आपकी खूब सेवा करूंगी। जीती हो। देखा? बाबा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हम सुखी रहो बेटा, ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे भाई मनवाए लाल, तुमने तो जारी आज बिच्छू दादी ने मनवाया। जल्दी आओ बेटा। तुम्हारे पास जाता है? बिल्कुल। सगाई में इतना दिया है, तो शादी में कितना देगा? हमारे भी डाल दीजिए। लाखन सिंह यहाँ क्या कर रहा है? जाकर वहां मेहमानों की देखभाल कर। चल आइए आइए। लाखन, मिठाई खाओ ना। सेठ जी आप भी खाइए। लाखन, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरे बेटे की सगाई हो रही हो। हाँ सेठ जी, अजय मेरा बेटा, मेरा मतलब है अजय बाबू मेरे बेटे जैसे हैं। 8 बरस तक मैंने उन्हें माँ बाप का प्यार दिया है, अपने सीने से लगा के रखा है। आज मैं बहुत खुश हूं सेठ जी, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश। हेलो, ओ फोन चिल्ला क्यों रहे हैं? हेलो लेखा, जस्ट होल्ड ऑन। कहां से बीच में फोन आ गया? हेलो, मूड खराब है क्या? मूड? हाँ मूड तो खराब ही है, और अगर तुम हमारा मूड ठीक रखना चाहती हो तो शाम को वहीं मिलो। तो फिर आप अपना मूड खराब ही रखिए। ना इतना खराब ही नहीं है, फिर भी अगर तुम शाम को मिलो तो मूड अच्छा हो सकता है। अच्छा हो या बुरा, अब मुलाकात शादी के बाद ही होगी। क्यों शादी के बाद? क्यों? क्योंकि शादी के बाद मैं सदा के लिए तुम्हारी बन के आऊंगी। वो तो हम जानते ही हैं, यहाँ नहीं आओगी तो जाओगी भी कहाँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है अब हमारी कुंडलियां मिल चुकी हैं, मैं भी तो तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकूंगा ना। लेकिन रेखा, फिर शादी के बाद ऐसी रोमांटिक बातें तो नहीं हो सकेंगी? शादी के बाद तो बड़े अच्छे लगते हैं। कलावती मेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक? अरे मुझे क्या मालूम, मैं क्या शिकार खेलने गई थी। अच्छा ललन कहाँ है? ललन बेटा, इतनी रात गए ये बंदूक, क्या बात क्या है? लाखन चाचा, तुम डाकू हो ना, मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। क्यों बेटा, ये बंदूक चलाना सीख कर तुम क्या करोगे? अपने बाप को निशाना बनाऊंगा। राम 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 राम,
ऐसी बात कहना भी पाप है, सुनना भी पाप है। सबसे बड़ा पाप मेरा बाप है। क्या कह रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए। पिता तो संतान के लिए परमात्मा का रूप होता है। जा, यहां से ये बंदूक लाए रख दे वहीं जाकर। ये बच्चों का खेल नहीं। जा चाचा, तुम भी मुझे बच्चा समझते हो? अरे मैं तो शादी के लायक जवान पट्टा हूं। ठीक है, जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन तेरी बारात के आगे ये बंदूक दागता हूं मैं। चलो नहीं, जब तक मेरा बाप जिंदा है मेरी बारात नहीं निकल सकती। पहले उसकी अर्थी उठेगी। मैं उसका बाप रे बाप, मेरा बाप। अरे ललन बेटा, अरे ये बंदूक तो लेते जाओ। ललन, अरे ये बंदूक। बड़ा अजीब लड़का है। बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हो? अच्छे बाबू, ये बंदूक मैं नहीं लाया, ये तो इनका बेटा ललन उठा कर लाया। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाता है। मैंने पहले ही कहा था कि डाकू घर में रखना ठीक नहीं। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। बता बंदूक क्यों चुराई है? अच्छे बाबू, बंदूक मैंने नहीं चुराई। झूठ बोलते है। ये क्या जंगली बंदूक? अपने बाप के समान बुजुर्ग पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? ये डाकू बंदूक चुरा कर ना जाने क्या करना चाहता। चुप रहो। बंदूक इस गरीब ने नहीं चुराई, ललन उठा के लाया था। पूछा इससे। ललन, बंदूक तूने चुराई? हाँ पिताजी। पिताजी के बच्चे, चल तुझे ठीक करता हूँ। हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुमने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। बिना सोचे समझे कुछ करना नादानी है, बेवकूफी है। हमें अजय की बेवकूफी पर सख्त अफसोस है। तुम अजय को माफ कर देगा? माफ कर देना भैया। कौन बाप अपने बेटे को माफ नहीं करेगा? लेकिन कोई बाप अपने बेटे का तमाचा खाकर उसे नजर नहीं मिला सकता। नजर नहीं मिला सकता। मैं यहां नहीं रहूंगा। अब मैं यहां नहीं रह सकता। जाऊंगा। आंखों से आंसू छलकाए तूफान आह का, अब बा फिर भी जाए ना पिछले गुनाह का। छलकाए तूफान आह का, अब बा फिर भी जाए ना पिछले गुनाह का। किस्मत का हमारा मजबूर है, लाचार है, सब खेल है तकदीर। दो चेहरे एक तस्वीर के, भगवान भी शैतान भी, क्या चीज है इंसान भी। भगवान भी शैतान भी, क्या चीज है इंसान भी। जग्गू, तू? राम राम सरदार। ये इतनी रात गए, चोरी चोरी कहां जा रहे? मैं जा रहा हूं जग्गू, यहाँ से दूर, बहुत दूर। तुम भी अजीब आदमी हो सरदार। ये शान शौकत, ये ठाट बाट, अपनी इतनी बड़ी कोठी छोड़कर जा रहे हो? अरे पागल, वो कोठी मेरी नहीं, वो तो सेठ मनोहर लाल की है। लेकिन सेठ मनोहर लाल की सारी जायदाद का इकलौता वारिस तो तुम्हारा बेटा ही है ना? वो मेरा बेटा नहीं है। अरे वो तो सेठ मनोहर लाल का बेटा है। उसका नाम है अजय। अजय नहीं, जसवंत। जसवंत नहीं। अब राव नहीं सरदार, ये राज या तुम जानते हो या मैं जानता हूं, लेकिन इस घर में उसको अजय बनकर ही रहना चाहिए। चकू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सरदार, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं भी तुमसे एक छोटी सी उम्मीद लेकर आया। चकू, मुझसे कैसी उम्मीद? जसवंत को अजय बनाकर तुमने करोड़पति बना दिया। अपने इस पुराने दास को कम से कम लखपति बना दो। जग्गू, सीधी तरह बोल,
तू कहना क्या चाहता है? सरदार बुढ़ापे ने तुम्हारी अकल मार दी, इतनी मोटी बात नहीं समझते? बस 1,00,000 रुपया मेरी झोली में डाल। जग्गू, क्यों मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? सरदार, जग्गू का मुंह गुस्से से बंद नहीं होगा, प्यार से, पैसे से। बोलो, पैसा लेने कब आऊंगा? लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहाँ है जग्गू, कहाँ से लाऊंगा मैं? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे के पास है, सेठ मनोहर लाल के पास है। पर तुम नहीं देते, मैं सेठ मनोहर लाल से मांग ले। नहीं नहीं जग्गू, सेठ जी के पास जाना, उनसे कुछ मांगना। तो बोलो, बहती गंगा में गोता लगाने कब आऊं? बहुत सस्ता सौदा है, जसवंत को अजय बनाए रखने की कीमत सिर्फ 1,00,000। लेकिन जग्गू मैं सरदार, लाखन के लिए 1,00,000 रुपए का इंतजाम करना सिर्फ 1 घंटे का काम है, लेकिन मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। कल रात को ठीक इसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा, रुपया तैयार रखना। जाओ जाओ, घर जाकर आराम करो। सुना, जग्गू को धोखा देने की कोशिश मत करना। जाओ जाओ। लाखन, क्या हुक्म है शेठ जी? हुक्म नहीं, ये गहने पसंद करो, अजय की बहू के लिए बनवाए। कैसे हैं? मुझे जेवरों की क्या पहचान शेठ जी, मुझे तो बस आपकी खुशी की पहचान है। नहीं भाई, हम जानते हैं जितनी खुशी हमें है उतनी खुशी तुम्हें हो रही है, क्योंकि तुम भी अजय के पिता समान हो। शेठ जी, मेरे लिए तो आप भगवान के समान हैं, मुझ जैसे तुच्छ इंसान के लिए आपके मन में इतनी इज्जत। ओहो, अपने को इतना छोटा ना समझो लाखन, हमें तुम पर बड़ा भरोसा है, बड़ी इज्जत है तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं ये सब रुपया तुम अपने हाथों से खर्च करो शादी में, अजय पर तुम्हारा बराबर का हक है। सरजी, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, ये तो खुशी के आंसू से थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जाओ आराम करो। लाखन सिंह, शरीफ और इज्जतदार घरों में ऐसे डाकू का रहना खतरे से खाली नहीं पिताजी। अजय, आज अगर तुम यहां हो सिर्फ लाखन की बदौलत, अगर ये तुम्हें ना लौटा था, तुम हमारी आंखों का तारा नहीं, इसके बुढ़ापे का सहारा हो। अपने को इतना छोटा ना समझो लाखन, हमें तुम पर बड़ा भरोसा है, बड़ी इज्जत है तुम्हारे लिए। हम तो चाहते हैं ये सब रुपया तुम अपने हाथों से खर्च करो शादी में, अजय पर तुम्हारा बराबर का हक है। तो बोलो, बहती गंगा में गोता लगाने कब आऊं? और सस्ता सौदा है, जसवंत को अजय बनाए रखने की कीमत सिर्फ 1,00,000। लाखन के लिए 1,00,000 रुपए का इंतजाम करना सिर्फ 1 घंटे का काम है, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं, कल रात को ठीक इस वक्त हाजिर हो जाऊंगा।
तुझे सहारा दिया था। अजय ठीक ही कहता था, तू डाकू है, आस्तीन का सांप है, मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। भगवान, कैसा सपना था, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। जग्गू, राम राम सरदार, मैं वायदे के मुताबिक आ गया हूं। आज दूसरी रात है। रुपया जग्गू, मैं इतने रुपए कहां से लाऊं? ये तुम सोचो, चोरी करके दो, सेठ मनोहरलाल से मांग के दो, या अपने बेटे जसवंत लेकर दो। जसवंत नहीं, उसका नाम अजय है। देख, मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, उसका बाप मैं नहीं, उसका बाप सेठ मनोहरलाल है। और मैंने भी तुमसे कहा था कि जसवंत को अजय बनाए रखने की कीमत 1,00,000 रुपया है। लाखन, तुम मुट्ठी नहीं खोलोगे तो मैं मुंह खोल दूंगा। मैं इसी वक्त जाकर सेठ से कह दूंगा कि अजय तुम्हारा बेटा नहीं, बल्कि लाखन का बेटा है जसवंत। जग्गू, मेरे भाई, मेरे बलिदान को मिट्टी में मत मिलाओ। मेरी गलती और कुदरत की बेरहमी ने इस घर के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। सेठ जी के दुख से दुखी होकर मैंने अपना चिराग इस अंधेरे घर में रख दिया, अपना कलेजा काट कर मैंने सेठ जी को दे दिया, और आज आज वो जसवंत को अजय समझकर बहुत खुश है, बहुत सुखी है। भगवान के लिए उनसे उनकी खुशियां मत छीनो जग्गू, मेरे प्राश्चित पर पानी मत फेर। ठीक है, तो थोड़ा सा उजाला मेरे घर में भी कर दो। देख जग्गू, जिद मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। ये हक तो मेरा है सरदार, तुम्हारा हक तो सिर्फ लूट के माल का बंटवारा करना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1,00,000 रुपए। जग्गू, तो चोला मैं उतार कर फेंक चुका, मुझे दोबारा पहनने पर मजबूर मत कर, वरना तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। उससे पहले ही मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी का फैसला कर डालूंगा। कुछ मैं तेरी जिंदगी का फैसला करता हूँ, समझ मुझे। कमीने, देखिए, आप नहीं जानते कि लाखन ने आपको कितना बड़ा धोखा दिया। सब जानते, हमारे बेटे को डाकू का बेटा साबित करके हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। तो क्या खुद लाखन भी कहे अजय हमारा बेटा नहीं, तभी नहीं मानेंगे। लेकिन सिर्जा, मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ सुनना नहीं चाहते, निकल जाते। तुझे पुलिस के हवाले कर देगी। लाखन, अगर इस बेइज्जती का बदला ना लिया तो मेरा भी नाम जग्गू नहीं। निकल जा यहां से, निकल जा। लाखन, मैं एक दुखी बाप, और तुम मेरे बेटे के हत्यारे हो। नहीं सेठ जी, नहीं, मैं हत्यारा नहीं हूं। मेरा भगवान जानता है मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। हाँ, अपने उजड़ते घर को बचाने के लिए मैंने आपके बेटे को उठाया जरूर था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो मासूम पहाड़ी से गिरकर मेरे माथे पर हत्या का कलंक लगाकर चला गया। उसे एक पल के लिए पाप करने की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। मैं अपनी चंपा को भी नहीं बचा सका। आपका घर उजाड़ने और अपना घर उजड़ने के 8 साल बाद जब मैंने आपको उस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने जसवंत को आपका अजय बनाकर आपके हवाले कर दिया। सेठ जी, हो रहा था, आज भी मुझे याद है, जब मेरा जसवंत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बापू मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सेठ जी का बेटा नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। लेकिन सेठ जी,
मैंने आपके मन की शांति के लिए और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने सीने पर पत्थर रख लिया। और हम 17 साल से तुम्हारे बेटे को अपना मानते रहे, हम उसे पूरी तरह अपना अजय मान चुके हैं। वो हमारे दिल, दिमाग, हमारी आत्मा का अंग बन चुका है। लाखन, हम तीनों की भलाई इसी में है कि तुम यहां से फौरन चले जाओ, क्योंकि जब जब तुम्हारी शक्ल हमारे सामने आएगी तो ये बात हमें जरूर याद आएगी। ये अजय मेरा अजय नहीं है। लाख कोशिश करने पर भी हमारी शराहत, हमारी इंसानियत तुम्हारे लिए उभरती हुए नफरत के जज्बे को बचा नहीं सकेगी। हाँ शेख जी, मैं चला जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। हाँ लाखन, हम अपने बेटे के मरने की खबर और तुम्हारे लिए उभरती हुई नफरत दोनों की समाधि बनाकर हम अपने टूटे हुए दिल में हमेशा के लिए दबा देंगे। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कमला,
इधर आ जाओ, चलो। आवाज बैठ जाओ। डाकू पिताजी, रेखा तुमने क्यों शहनाई बंद कर दी? चालू रखो शहनाई। तुम लोग सब उतार अपना अपना देवा। उधर नहीं, इधर। जगह से हिला तो मैं भून के रख दूंगा। सेठ मनोहर लाल, वो दिन तुम्हारा था और आज का दिन मेरा है। पीछे जाओ। Ah!
अमजादे ने मुझे इंसान से हैवान बना दिया, मुझे माफ करना चाहिए। जी ये वो लाखन है जिसमें कहीं मत बेटी, अपने बाबा को हंसते हंसते विदा करो। लाखन लाखन सेठ जी, मेरा जीवन सफल हो गया, मरते मरते मैं आपके काम आ गया। बाबा बाबा मुझे माफ कर देना, तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई है। तुम इंसान नहीं, तुम तो फरिश्ते हो। अजय बेटे, लाखन फरिश्ते से भी महान है। अपनी एक भूल का प्रायश्चित करने के लिए इसने एक नहीं दो दो बलिदान किए। नहीं सेठ जी। नहीं लाखन, मुझे कहने दो। जिस राज को तुम अपने सीने में जिंदगी भर दबाए रहे, अब अपने साथ ले जा रहे हो। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, तुम्हारे उपकार का बोझ अब मैं और नहीं उठा सकता। नहीं नहीं सेठ जी। अजय, तुम्हारा पिता मैं नहीं। नहीं सेठ जी। अब आगा लाखन है। लाखन दुनिया से कुछ भी लगे ना हाथ रे, करम रहे और इस दुनिया से कुछ भी लगे ना हाथ, बाकी सब जल जाता है जलती पिता के साथ। करम रहे और इस दुनिया से कुछ भी लगे ना हाथ, बाकी सब जल जाता है जलती पिता के साथ। ये बातें एक तस्वीर के, भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी, भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी। ये खेल है तकदीर के दो चेहरे एक तस्वीर के, भगवान भी शैतान भी क्या चीज है इंसान भी, भगवान भी शैतान।